एक रिपोर्ट के अनुसार टेक दिग्गज कंपनी एप्पल मार्च 2022 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है जो हार्डवेयर पे आधारित रहेगा और इसे एप्पल स्प्रिंग इवेंट कहा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एप्पल अपने इस स्प्रिंग इवेंट में क्या क्या लॉन्च कर सकती है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हालांकि एप्पल औसतन एक वर्ष में 3 से 4 इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, आमतौर पर मार्च में एक स्प्रिंग इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जून में वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस और एक सितंबर में इवेंट होता है जो आईफोन और एप्पल वॉच पर केंद्रित होती है, और कभी कभी अक्टूबर में भी इवेंट होती है अगर आईपैड या मैक में गिरावट होने की उम्मीद होती है तो। एक नई रिपोर्ट के अनुसार एप्पल मार्च की शुरुआत में साल का अपना पहला हार्डवेयर इवेंट एप्पल स्प्रिंग 2022 ऑर्गेनाइज कर सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी इस इवेंट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एप्पल अपने अपकमिंग बजट आईफोन और एक आईपैड पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कंपनी ने टेस्टिंग के लिए भारत में एक नया बजट आईफोन और एक आईपैड भी इम्पोर्ट किया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2022 में एप्पल इवेंट होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल इस साल अपने लॉन्च इवेंट में पिछले मॉडलों की तुलना में ज्यादा किफायती रेंज के साथ आईफोन और मल्टीपल प्रोडक्ट का एक ग्रुप लॉन्च करेगी। जैसे कंपनी थर्ड जनरेशन का आईफोन SE 3, साल 2022 का आईपैड का नया वेरिएंट, किफायती रेंज के साथ एक नया 13 इंच मैकबुक प्रो और एप्पल M2 चिपसेट भी लॉन्च हो सकती है। आईफोन SE 3 5G और आईपैड एयर 5G को मार्च के इवेंट में पेश करने की उम्मीद है, और मार्च में या फिर मई या जून में नए मैक भी जारी हो सकते हैं। हालांकि मैकबुक लाइनअप में मैकबुक के अलावा एप्पल इस साल 24 इंच का iMac और मैकबुक एयर भी लॉन्च कर सकती है, ये M2 चिपसेट के साथ आ सकते हैं। एप्पल आईफोन SE 3 में नया A15 बायोनिक चिपसेट होगा जो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। कीमत के लिहाज से स्मार्टफोन की कीमत पिछले साल का आईफोन SE 2 के समान होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार थर्ड जनरेशन आईफोन SE 5G आईफोन SE 2 के समान डिजाइन के साथ आएगा। डिवाइस में मोटे बेजल्स के साथ समान 4.7 इंच का डिस्प्ले और फ्रंट में एक टच ID सेंसर होगा। साथ ही एप्पल अपने सबसे फास्ट प्रोसेसर एप्पल A15 बायोनिक चिप के साथ 5th जनरेशन का आईपैड एयर लॉन्च करने की उम्मीद कर रही है। ये पैड 12 MP का अल्ट्रा वाइड फ्रंट फेसिंग कैमरा और 5G के साथ लॉन्च हो सकती है। आईपैड की डिस्प्ले 10.9 इंच की होगी और इसका डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा, जिसमें सिंगल लेंस डुअल कैमरा शामिल है। ये कई रंग विकल्पों में उपलब्ध हो सकता है, जैसे स्पेस ग्रे, सिल्वर ग्रीन, रोज गोल्ड, स्काई ब्लू etc. एप्पल पिछले मॉडलों की तुलना में ज्यादा किफायती रेंज के साथ एक नया मैकबुक प्रो लॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि नए एंट्री लेवल मैकबुक प्रो के स्पेसिफिकेशन हाई एंड मैकबुक प्रो के समान हो सकते हैं, पर मैकबुक प्रो को और ज्यादा किफायती बनाने के लिए इसमें प्रो मोशन डिस्प्ले नहीं होगा, लेटेस्ट M1 प्रो और M1 मैक्स चिपसेट जैसे फीचर भी नहीं होगी, जबकि लेटेस्ट मैकबुक प्रो प्रो मोशन डिस्प्ले के सपोर्ट करता है, लेकिन अपकमिंग मैकबुक प्रो में ये फीचर नहीं होंगे। इसके अलावा यह कीमत कम करने के लिए कम मेमोरी और कम स्टोरेज ऑप्शन के साथ भी आ सकती है। टेक दिग्गज एप्पल इस साल एप्पल M1 चिपसेट के सक्सेसर को भी पेश करेगी। iMac के लिए नए कस्टम सिलिकॉन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे माना जा रहा है कि M2 चिप कहा जाएगा। पहली M1 एप्पल चिप को 2 साल पहले मैकबुक एयर लैपटॉप में लॉन्च किया गया था। M1 चिप ने एप्पल की बैटरी लाइफ के साथ साथ कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने में मदद की थी। इसके बाद कंपनी ने M1 iMac पेश किया और उसके बाद 14 इंच और 16 इंच मैकबुक प्रो ज्यादा पावरफुल M1 प्रो और M1 मैक्स चिप के साथ लॉन्च किया था। एप्पल इस साल M2 चिप के साथ 4 नए मैक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नया मैकबुक M2 चिपसेट के साथ आ सकता है, नया प्रोसेसर मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, iMac और मैक मिनी डिवाइस सहित एप्पल के अपकमिंग मैक लाइनअप को पावर देगी। जानकारी के अनुसार M2 की शिपिंग इसी साल की जाएगी। M2 चिपसेट M1 की तुलना में फास्ट होगी। M2 में M1 के समान 8-कोर CPU होने की उम्मीद है, हालांकि इसके ग्राफिक कोर को और बेहतर बनाया जा सकता है। M1 चिप में 7 और 8 कोर GPU ऑप्शन के ऊपर 9 और 10 कोर GPU ऑप्शन के साथ एडिशनल GPU होने की उम्मीद है।
इसके बाद अप्रैल 2023 में अपना पहला 3nm चिप भी जारी करेगी। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इसे सबसे पहले एप्पल अपने नए आईपैड में इस्तेमाल के लिए अपनाएगा। एप्पल का स्प्रिंग इवेंट में एक नया मैक लॉन्च होने की अफवाह है और भी नए नए डिवाइस जुड़े हो सकते हैं, इसलिए हमें मार्च में इस इवेंट की बेसब्री से इंतजार रहेगी। इसी के साथ कंपनी चल अपने आईफोन लाइनअप में आईफोन 14 सीरीज के साथ iOS 15.4 को भी रोल आउट करने के लिए तैयार है। नया iOS अपडेट में यूनिवर्सल कंट्रोल और इमोजी का एक नया सेट भी ऐड होगा। इसके अलावा एप्पल को 24 इंच iMac पर भी काम करने की अफवाह है, जो M1 Pro और M1 Max चिप द्वारा पावर्ड होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे iMac Pro ब्रांडिंग मिलेगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए नए गैजेट और मोबाइल की जानकारी आप हमेशा चाहते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।